PSP Projects, आज देखिए बजट माय पिक में एनसीसी का नाम लिया गया, वो दिया गया और मैं भी बहुत ज्यादा मतलब बुलिश हुई इस बार. मुझे ऐसा लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज और ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां ये जबरदस्त करेगी. और ये कंपनी देखिए बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, रियल एस्टेट में, इंफ्रा में, इन सेगमेंट्स में क्लीन बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनियां बहुत कम मिलती है और उनमें से एक ये कंपनी है पीएसपी प्रोजेक्ट्स. एक देखिए पहले ये मतलब वैसे ये गुजरात बेस्ड कंपनी है और गुजरात में काफी फोकस रहती थी हिस्टोरिकली, मगर अब बाहर भी ये लोग आए और काफी सारे प्रोजेक्ट्स करे और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज है और इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल और बहुत सारे इन टाइप के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और टू देयर रेपुटेशन देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो है वो ये बना रही है और सूरत डायमंड बोर्ड्स ये कंपनी बना रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है. और मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो क्लाइंटील है, आप देखिए कैडिला, टॉरेंट, मतलब जो गुजरात की बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है ये कंपनी बनाती है, तो इस तरीके का इनका हिस्ट्री है. और मैं फंडामेंटल्स देख रहा था तो गजब के फंडामेंटल्स है. प्रोमोटर्स को तो हमने न्यूज पे व्यूज में सुनाई है, इनफैक्ट आई थिंक फ्राइडे को या थर्सडे को आए थे जहां तक मेरी मेमोरी जाती है, सो आई हर्ड देम, तो और ज्यादा इंप्रेसिव है. और 13 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सिर्फ मिल रहा है, मैं पूरे पीयर कंपैरिजन किया तो वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक्स है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22 का. और इंफ्रा कंपनी होते हुए जो डेट इक्विटी है वो बहुत कम है, 0.32 विच इज एडमिसिबल, मतलब कोई दिक्कत नहीं है. पिछले 5 साल में अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 27% की है, सेल्स की कैगर 5 साल की 22% की, तो इस तरीके का फंडामेंटल है. और मैं देख रहा था इनके सेप्टेम्बर के क्वार्टर्स तो वो बहुत बढ़िया है. पिछले सेप्टेम्बर में इन्होंने 14 करोड़ का पैड था, इस बार 37 करोड़ का. जनरली ये कंपनी 35-40 करोड़ कमा रही है, तो 130 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे पैट है इनका. और अगर हिस्टोरिकली देखें, प्राइस वाइज देखें तो बहुत ज्यादा बड़ा परफॉर्मर नहीं है, एक कंसोलिडेटेड मूव दे रहा है. ये 522 ऊपर का लेवल और उसके बाद एक करेक्शन लेवल पे मिल रहा है. और पिछले 3 साल में अगर प्राइस की कैगर देखें, स्टॉक प्राइस सिर्फ 4% आ रहा है और 1 साल में सिर्फ 17%, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कंफर्ट देता है. और सेप्टेम्बर क्वार्टर में सुनील सिंघानिया जी का जो एबेकस एमर्जिंग फंड्स है उन्होंने भी इसमें ऐड किया 1.51% इक्विटी. तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जिस तरीके का प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग, जिस तरीके से एफआईआई डीआईज का कॉन्फिडेंस और जब एबेकस का नाम लग जाए तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को लेना चाहिए 570-590 के टारगेट.